Kids, how are you all? I hope you all are well at home. Am I right? Very good. Kids, welcome back. Here, I am Jyotsna from the Wisdom School, Sirsa. Kids, now assembly time. Abhi kaun sa time hai beta hamara? Assembly time. Aur aaj hum log kya karenge assembly time mein? Today, we will revise use of this, use of that, use of these, use of those. ओके बेटा, हम लोग कर चुके हैं ना, मैं आपको लर्न करवा चुकी हूँ ना, क्या क्या करवा चुकी हूँ आपको, दिस और दैट के बारे में बता चुकी हूँ, दीज और दोज के बारे में बता चुकी हूँ ना, तो आज हम लोग क्या करेंगे, वी विल रिवाइज अगेन. ओके बेटा, आज हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे. ओके बेटा, शेल वी स्टार्ट? ओके, लेट स्टार्ट. किड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यूज ऑफ दिस. बेटा सबसे पहले आप एक चीज देखो, दिस का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है यह. ठीक है बेटा, अब सपोज करो मेरे पास, सबसे पहले तो बेटा मैं आपको बता दूं कि जो ये दिस और जो दैट है ना, ये दिस और दैट, ये ओनली वन थिंग के लिए यूज होता है. किसके लिए होता है? ओनली वन थिंग के लिए. ओके, कोई भी चीज होगी वो एक चीज के लिए किसका यूज होता है? दिस और दैट का. ओके बेटा, और दीज और दोज का क्या यूज है? मेनी थिंग्स के लिए, मतलब बहुत सारी चीजों के लिए दीज और दोज का यूज होता है. क्लियर बेटा? क्लियर हुआ अच्छे से? दिस और दैट किसके लिए यूज होता है? ओनली वन थिंग के लिए, ओनली वन चीज के लिए. ओके, बट दीज और दोज वन के लिए नहीं, टू और मैनी थिंग्स के लिए. मैनी थिंग्स मतलब टू, दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है. क्लियर बेटा? तो क्या होगा, दीज और दोज का जो यूज है वो टू और टू से ज्यादा थिंग्स के लिए यूज होता है, और दिस और दैट का यूज ओनली वन थिंग के लिए होता है. क्लियर? सबसे पहले तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है. क्या मैं दोबारा बता रही हूं, यूज ऑफ दिस एंड दैट ओनली वन थिंग के लिए यूज होता है, बट यूज ऑफ दीज एंड यूज ऑफ दोज टू और मेनी थिंग्स के लिए यूज होता है, दो या दो से ज्यादा चीजों के लिए. क्लियर बेटा? ओके, नो प्रॉब्लम ना? ओके, अब मैं आपको बताऊं कि दिस का मीनिंग होता है यह है. सपोज करो बेटा मेरे पास ये एक मार्कर है. क्या है? मार्कर है, एक मार्कर है. अब ये मेरे पास है ना, मेरे पास है, मेरे से मतलब कि क्या है, नियर है ना, मेरे नियर मीन्स पास, मैंने करवाया था ना, ये मेरे पास है. तो हम लोग किसका यूज करेंगे कि दिस, दिस इज अ मार्कर, कि ये एक मार्कर है. ठीक है, दिस क्योंकि एक चीज है, सबसे पहले तो ये एक मार्कर है, तो मैंने किसका यूज किया. अब मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे दिस का यूज करना है या दैट का. अब मैं देखूंगी कि ये मेरे पास है या मुझसे दूर है, तो ये मेरे नियर है, तो मैं क्या यूज करूंगी, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर. अब ऐसे ही बेटा, अब ये मार्कर मुझसे दूर है, बहुत थोड़ी और दूर है, अभी तो मेरा हैंड जितना है उतना है ना, ये थोड़ी और दूर किसी जगह पर पड़ा है. तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज दैट, ये क्या है, मतलब दैट का मीनिंग होता है वह, कि वह क्या है, तो मैं क्या बोलूंगी, दैट इज अ मार्कर, कि वो एक मार्कर है, कि वह एक मार्कर है. ओके बेटा, क्या है, मुझसे फार है ना, मुझसे दूर है ना, तो दैट इज अ मार्कर, कि वह एक मार्कर है. क्लियर बेटा? अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये मेरे पास क्या है, दो दो चीजें हैं, टू चीजें हैं ना, टू थिंग्स है, मार्कर भी है, डस्टर भी है, या सपोज करो मेरे पास बहुत सारी पेंसिल्स हैं, है ना, बहुत सारी पेंसिल्स हैं. तो अब आपको पता है कि या तो दो चीजें हैं या दो से ज्यादा है, तो उसके लिए क्या यूज होता है, दीज या दोज. ऐसे ही बेटा, अगर कोई चीज मेरे पास है और बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दीज आर अ मार्कर, की बहुत सारे मार्कर हैं, या दीज आर अ, दीज आर पेंसिल्स. अ नहीं आएगा बेटा, अ हमेशा वन थिंग के लिए आता है. ठीक है, दीज आर मार्कर्स, दीज आर पेंसिल्स, या मेरे पास बहुत सारी नोटबुक्स हैं जो मेरे नियर है, मेरे पास है, दीज आर नोटबुक्स. ओके बेटा, ऐसे ही क्या है बेटा, दोस्त.
ठीक है, अब कोई चीज मुझसे दूर पड़ी है, चाहे वो मार्कर है, पेंसिल्स हैं, नोटबुक्स हैं या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर मार्कर्स, कि वो मार्कर हैं। और एक मिनट बेटा, दीज की जो मीनिंग मतलब होता है वो होता है ये, और दोज का जो मीनिंग होता है वो, कि ये मार्कर्स हैं, तो दीज आर मार्कर्स, अब वो चीज मेरे पास है। अगर कोई चीज मुझसे दूर है तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर मार्कर्स, दोज आर पेंसिल्स, दोज आर नोटबुक्स, क्योंकि वो मुझसे फार है, मुझसे दूर है, ठीक है बेटा। बट वो कितनी चीजें हैं, दो या दो से ज्यादा चीजें, ठीक है। क्लियर हुआ कुछ आपको, क्लियर हुआ बेटा? ओके, तो मैं आपको फिर से बताती हूँ बेटा, दिस और दैट का यूज ओनली वन थिंग के लिए होता है। जो चीज आपसे नियर होती है उसके लिए हम दिस का यूज करते हैं, जो चीज आपसे दूर होती है उसके लिए हम लोग दैट का यूज करते हैं। ऐसे ही मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं बट वो मेरे नियर है तो उसके लिए हम लोग दीज का यूज करते हैं, बट जो थिंग्स आपसे दूर होती हैं उसके लिए हम लोग दोज का यूज करते हैं। क्लियर बेटा? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बेटा। मैंने बहुत बार करवाया है और आज मैंने बहुत अच्छे से रिवाइज भी करवाया है, आप इसको अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके बेटा, ओके, बाय बाय, टेक केयर।